शेर अर्ज कर रहा हूं, चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, क्या चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, और इल्म इंसान को पैसों से नहीं मिलता है, उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, किसकी उम्मीद, उसकी उम्मीद, उसकी उम्मीद उसे तोड़ के रख देती है, सुख अगर बाप को बेटों से नहीं मिलता है, दिल लगा भी लिया इश्क कर भी लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब सा था कोई, ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, क्या समझ में आया, कि राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, कौन सा गाना आप लोग बता सकते हैं, कौन सा गाना आप लोग कोई बता सकते हैं, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, देखिए हालांकि इसको नए अंदाज में मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं जुबिन नौटियाल भाई, जुबिन ने भी गाया है इसको, और पुराने समय में बाकमाल सिंगर रहे मोहम्मद अजीज साहब, सबको ही जानते हैं, उन्होंने गाया, तो मैं दोनों का मिक्स करके आपको सुनाता हूं, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, और खूबसूरत खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, मैंने पूछा कि कल सब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, मैंने पूछा कि कल रात कहां थे, तो पहले शर्माए फिर हंस के बोले, क्या बोले, हम तो प्रस्तार मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम, हम
तो बीमार मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम। हम मोहब्बत के लिए जान भी दे सकते हैं, जान क्या चीज है ईमान भी दे सकते हैं। मैं एक दो अपनी कंपोजिशन भी इसमें मिक्स करके आप लोगों को सुना रहा हूं। अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। बात भी सही है, कबूतर को मारने का एक ही तरीका है, उसको अपना पन दिखाओ पहले। तो अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया, उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया, उसने मुझको दोस्त बनाकर पीठ में खंजर मार दिया, अपने पन का जाल बिछाया और कबूतर मार दिया। डॉक्टर नौशाद अंसारी साहब, पंचायत समिति और डॉक्टर मंजूर शेख साहब की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आदिल शिवा हॉस्पिटल जी के जानिब से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, अजमेरी साहब एक शेर आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। कहा साहब, अरे आज छोड़ दीजिए आप, छोटे भाई की तरफ से एक शेर आपके लिए। और अजमेरी साहब आपसे तो छुपा हुआ नहीं है कि आजकल के जो तलवे चाटने वाले लोग हैं उनके चक्कर में बहुत अच्छे अच्छे लोग की प्रतिभा पीछे रह जाती है, उनके टैलेंट को। तो एक शेर है उसके ऊपर कि शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर जब लोगों को तलवे चाटते देखा तो, शोहरत की खातिर लोगों को तलवे चाटते देखा तो, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया, एक फनकार ने अपने फन को घर के अंदर मार दिया। तो मैं कहा था, मैंने पूछा कि कल सब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, क्या बोले, आप वो बात क्यों पूछते हैं, आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं है, आप वो बात क्यों पूछते हैं, जो बताने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं। डॉक्टर साबिर अंसारी CHO रंका की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया।
1000 रुपए का पुरस्कार है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बर्बादियों की वजह में कहते हैं कि तू शामिल नहीं है, माँ की दुआओं का ये असर निकला, ज़ईफ बूढ़ी माँ की दुआओं का ये असर निकला, ज़ईफ माँ की दुआओं का, ज़ईफ माँ की दुआओं का ये असर निकला, ये कामयाबी मेरे ज़िश्त का सफर निकला। ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, किसे? ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जो अपनी माँ का कदम घर से चूम कर निकला। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल।